गुरु जी बात कर रहे थे देवताओं की, नाभि के नीचे बैठने वालों की। नाभि के नीचे के मंडल के देवता जो है वो पृथ्वी लोक पर तकरीबन बहुत काम करते हैं, लोग उन्हीं के आवरण में फंसे रहते हैं। ये ऐसे है जैसे मकड़ जाल हो, ठीक है ना, देवता मकड़ी के समान हो गए हैं और वो हमें घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हम उनके आकर्षण में आ जाते हैं, फिर वो हमारी कथनी और करनी करते हैं, हमारे मन की करते हैं। और मन की बस इतनी है कि हमारी इच्छाएं तो है ज़्यादा, फलाने का किसी का विकास हो गया तो उसका नाश हो, ठीक है, हमारा श्राप उसको लगे, हमारी नज़र उसको लगे, ठीक है, उसका वर्चस्व कायम ना रहे और जो उसके ग्रह आदि हैं वे भी दोषी हो जाए, वे उसको पूर्ण फल नहीं प्रदान कर सकें। और आपके जो कार्य हैं उनमें बाधा उपस्थित हो जाए। तो ये सभी जो बहुत सारे देवता हैं, चोक की माताएं हैं, चोगानन माताएं हैं, आपकी और भी बहुत सारे देवता हैं, मदानन माता है, इसके अलावा जो पृथ्वी के आवरण में हम देवताओं को पूजते हैं, ठीक है, जिनको हम शक्ति तत्व मानते हैं, उन देवताओं को भी साथ रख के ये क्रिया की जाती है। यहाँ तक कि जो तांत्रिक लोग हैं वो जो भगवान के शिव स्वरूप है गोरक्षनाथ, ये तांत्रिक लोग उनको भी लगाकर चलने की कोशिश करते हैं कि वो चलते हैं काली माता के साथ। और ये जो काली पूजते हैं ये काली नहीं है, काली की कृतिकाएं हैं जो उस तुच्छ भोग के समान जो है, उस तुच्छ भोग के आकर्षण में लालच में लोग बस हमारे शरीर के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में प्रविष्ट हो जाती है और हमें नुकसान पे नुकसान देती रहती है, इनकी देह संबंधी नुकसान देती है और पैसा संबंधी नुकसान देती है। यही कष्ट मानव जीवन के जीवन में लगने लगा है और सब लोगों को यही लगने लगा है कि यही कष्ट है। ये कष्ट कदापि किसी को नहीं सताता कि हम भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं या हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये कष्ट कदापि हमें बड़ा नहीं लगता। इन कष्टों के अलावा कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, ठीक है, ये कष्ट कष्ट नहीं है कि हमें आत्मदर्शन नहीं हो रहा, हमारा शरीर क्यों मिला हमें, ठीक है, हम शरीर से इस शरीर का उपयोग करके उपभोग करके कैसे आत्मदर्शी हों, हम कैसे अपने स्वरूप को जाने, कैसे अपने स्वरूप को पहचाने, कैसे भगवान को माने और कैसे भगवान को जाने और क्यों जाने, ठीक है, कब हमारी ये तृष्णा मिटेगी, जानने की इच्छा कब पूर्ति होगी, तब जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा, खाने के बाद कुछ खाना बाकी नहीं रहेगा, तब ये कदापि हम नहीं सोचते हैं, तब ये नहीं सोचते हैं कि उस अमृत का शरण जो है, क्षरण जो है वो यहाँ से हो रहा है, ब्रह्मरंध्र से हो रहा है, और फिर उसको पीने के बाद उस पे किसी दुनिया के किसी पेय पदार्थ को पीने की इच्छा नहीं करेगी, ठीक है ना, तब ये कदापि सोचते नहीं हैं, बस एक ही दुख को बड़ा दुख मानते हैं, शरीर से संबंधित पैसे को और शरीर में आए हुए किसी दर्द को, इनके अलावा कुछ और मानते नहीं, और ये सब हमेशा रहेगा, पृथ्वी लोक जब तक है तब तक रहेगा ही रहेगा। रही बात देवताओं की, तो इनको हम पूछते हैं ये खाते क्या है, चौक चौराहे पर जाके चीज़ें खाते हैं, ठीक है, हम उतारा करते हैं तो जो उतारा करते हैं अजान बाहू देवता को देते हैं, यज्ञ की वेदी पे देते हैं, वो तो उन देवताओं को लगता है तब आपके दोष का हरण होता है, तब आपके भार का हरण होता है, लेकिन जो उतारा हम चौक चौराहे पर देते हैं ये वो देवता खा जाते हैं जो निकृष्ट श्रेणी में आते हैं। देवता इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म है, प्रेत भी देवयोनी में ही आते हैं, राक्षसगण भी देवयोनी में ही आते हैं, मैं तुम्हें ये बता दूं क्यों, क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं और माया भी होते हैं, तो ये भी सूक्ष्म और माया भी होते हैं, आत्मा मन बुद्धि अहंकार के साथ हमेशा मलिन है और वो जो है वो हमें कष्टदायक पीड़ा प्रदान करती है, हमारे शरीरों को कष्ट प्रदान करती है। तो ये कष्ट जो है बड़ा ही भयानक कष्ट है, इस कष्ट से हम पार धीरे से पा नहीं सकते हैं जब तक हम मूल रूप से आत्मदर्शी नहीं होंगे, मूल रूप से हम आत्मदर्शन नहीं करेंगे। तो इसलिए भक्तों आत्मदर्शन की तरफ चलो, क्योंकि जब आप आत्मदर्शन करने के प्रयास में बहुत सारा मंत्र जप करोगे तब मन का त्राण होगा, थोड़ा सा मन का सूक्ष्म होते ही, थोड़ी सी मन की अपनी चेतना में वापस लौटते ही, मन की जो चेतना है वो है बिल्कुल शुद्ध, यानी कि मन बिल्कुल शुद्ध है अगर उसमें दुनिया भर के आवरण ना लगे हों और वो जड़ से ग्रंथियों से ना जुड़ा, तो जड़ ग्रंथि को त्यागो, सबको मरना है, सबका शरण हो रहा है, सबका क्षय हो रहा है, तो हम इसको छोड़ें,
क्या कहते हैं शरीर के बहुत सारे भाव को जब हम छोड़ देते हैं तो हम बड़े तेजस्वी हो जाते हैं। ठीक है, जिन जड़ ग्रंथियों से हम जुड़ गए हैं, जो गांठें हमने बांध ली है मन में, ठीक है ना, उन सबको छोड़ना है हमें। यहाँ तक सोचना है कि मन भी हमारा नहीं है, हमें विवेक से काम लेना है, बुद्धि भी हमारी नहीं है। एक विवेक से हम पार उतर सकते हैं, विवेक के अलावा कोई उस ज्ञाता को जो बनाने वाला है सबको जान नहीं सकता, ठीक है ना। तो पहले पहल हमें श्रद्धा करनी होगी, श्रद्धा करके हमें इन सब तत्वों से पीछा छुड़ाना होगा, पंचभौतिक तत्वों से। और जो ये शरीर है, जो ये भूत है, इस भूत में जो जीवात्मा है हमें उसका दर्शन करना ही करना पड़ेगा। यहाँ ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है, ना कोई परिवार वाला अपना है, ना बेटा अपना है, ना कोई अपना है, सब भगवान के हैं। सब में भगवान को ही देखना है, भगवान का समझ के उनकी सेवा कर देनी है। अगर सेवा करोगे ऐसे तो आपका बालक नहीं बिगड़ेगा, आपका भाई नहीं बिगड़ेगा, घर में कोई बिगड़ेगा ही नहीं, तो सब भगवान के हो जाएंगे। और जो भगवान के होते हैं उनमें कदापि कोई दोष होता नहीं है। तो आपके लेखे दुनिया कुछ करे, संसार भले कुछ करे, उधर कोई भोंक रहा है भोंकने दो, इधर कोई काट रहा है काटने दो, आप अपना काम करें, आप अपने को जाने, यही संसार की महत्ता है। वरना तो इस शरीर से आप कदापि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मदर्शन नहीं कर सकते। अभी जब यहाँ से जाएंगे तो सब लोगों को क्रिया योग सिखाएंगे, ध्यान की विधियाँ सिखाएंगे, ध्यान में एकदम से कैसे डूबे, ध्यान में कैसे जाए, क्योंकि पहले पहल ना तो ध्यान होता है, और जब आंखें बंद करते हैं तो मन दुनिया भर के विषय ले लेके आता है आपके पास, आपके समक्ष उपस्थित होता है। तो मन के उन सभी विषयों से कैसे पीछा छुड़ाएं, कौन सा उपादान ऐसा है जो हमारे काम आएगा ईश्वर प्राप्ति में, उसको पकड़ना है आपने। तो ऐसा नहीं है कि प्रेत बाधा से ही मुक्ति पानी है, क्योंकि ये फिर आपके, अगर इससे भी मुक्ति नहीं पाई तो ये आपके कुल में आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर भगवान से जुड़ गए, इष्ट से जुड़ गए, और जैसे साधन मैं बताता हूँ ऐसे साधन कर लिए, तो कदापि आगे आके आपके कुलों से भी ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी। आप जैसे ही ईश्वर के होंगे ये सब चीज़ें आपसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। बोलो जय शनिदेव।